गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी चाय लेके आ चुकी हूँ। सुबह का टाइम है और मुझे अभी ना आप सभी से कुछ बात करना है। तो मैं कुछ देर में बात करूँगी और कुछ बताना है और एक वीडियो है, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद हम आप सभी से बात करेंगे। कुछ देर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं आज भुजिया बनाना बताऊँगी चावल के आटे से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिया है चावल का आटा, उसके लिए हमने लिया है अजवाइन, नमक और ये मीठा सोडा, खाने वाला सोडा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए, यह बहुत ही अच्छा रेसिपी है चावल के आटे से कुरकुरा या भुजिया सेवई वाला। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रूट कलर डाल दिया है। कलर डालने के बाद ये हमने पहले गर्म पानी कर लिया है। गर्म पानी अगर खोलने लगेगा तब हम उसमें कलर डाल दिया है और चावल के आटा, और उसके बाद हम यहाँ पे अजवाइन डाल रहे हैं और सोडा भी डाल दिए हैं। और सभी को हम डाल के मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, हम इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए हम सोडा भी डाल देते हैं इसमें और खूब अच्छी तरीके से इसको हम मैश कर लेते हैं। मैश करने के बाद हम यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई को उतार लिया है। उतारने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से हम लोग कढ़ाई में से छुरा लेते हैं। और छुराने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरीके से इसको हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा, थोड़ा सा ठंडा पंखा चला, मैंने पंखा चला दिया था। और पंखा चलाने के बाद ना ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मतलब गूँथेंगे, जिसे हम रोटी के लिए बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमको गूँथना है। आटे को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ये देखिए इस तरीके से मिक्स करेंगे पानी डाल डाल के। अगर आप ज़्यादा टाइट है तो आप कच्चा पानी भी डाल के इसको गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से ये मैश हो जाता है और बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने बना लिया है आटा को, गूँथ लिया, उसके बाद हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। बस छोटी सी वीडियो है, ज़रूर देखिए पूरा लास्ट तक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक मतलब थाली लिया है जिसमें छेद जो रहता है, तो वो वाला थाली लेंगे और उस पर रख के हम इस तरीके से इसको प्रेस करके दबाएंगे, घसेंगे। तो इसको पेन पे ही करना है। अभी मैं बताती हूँ कौन वाला लेना है। और देखिए घस घस के इस तरीके से आपको झाड़ देना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ। और एक थाली ये देखिए मैं अपने पड़ोसी से मांग के लाई हूँ। तो ये देखिए ये जो तीन जो कोना है ना, ये नहीं जो रहेगा एकदम प्लेन रहेगा वो और अच्छा लगेगा बनाने में। तो मैं ये तीन पीढ़ा वाला तीन जो देख रहे हैं वो वाला है मेरे पास। तो हम इस पर क्या करेंगे, पेन पे ही हम इसको घसेंगे। आपके पास ऐसा है तो आप कर लीजिए, अगर दो आदमी करेंगे ना तो जल्दी जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने दो मतलब लाई हूँ। अकेले भी कर सकते हैं, जब बहुत जल्दी बन जाता है, तुरंत बन जाता है। तो हम इस तरीके से आटा लेके इस तरीके से इसको पेन पे पूरे आटा को घस देंगे। और इस तरीके से ये देखिए हम एक बार में इतना इतना करके रख लेंगे, थोड़ा थोड़ा मतलब करके, उसके बाद हम इसको फैलाएंगे। तो इसको यहाँ पे देखिए मेरा बेटा भी आयुष भी कर रहा है, वो आयुष कुछ काम ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम इसको फैलाएंगे। फैलाएंगे कैसे, तो हमने यहाँ पे एक लकड़ी ले लिया है, गांव में तो कोई सा भी चीज़ मिल जाता है और आप कोई सा भी पतला चीज़ ले सकते हैं। और इस तरीके से आप फैला दीजिए। यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से लेके आप पूरे को फैला दिया होगा। इसको हम एक दिन में इसको धूप लगाएंगे, एक या दो दिन, जो अच्छे तरीके से सूख जाए धूप में। बहुत जल्दी सूख जाता है क्योंकि ये गीला तो रहता नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूख गया है, मैंने धूप लगा लिया है। और उसके बाद हम इसको छान के बताएंगे। बहुत ही खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे बेटा को तो बहुत ही पसंद, हम लोग का भी बहुत पसंद है। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा आसान तरीका है। तो इस तरीके से तेल गर्म तेल में डालेंगे ना तो बहुत अच्छा से फूल के आएगा, एकदम कुरकुरा, टेढ़े मेढ़े कुरकुरा जो होता है सेम उसी कुरकुरा के जैसा दिखने में लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ये करके दिखा रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा से हो जाता है। अब चाय के साथ जैसे चूरा जो होता है, फोहा वाला चूरा, उसके साथ भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को देखिए पूरा लास्ट तक। तो आप लोग ने वीडियो देख लिया मेरा, कैसा लगा आप लोग को ये रेसिपी? तो बहुत ही अच्छा है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं ना बहुत दिन से वीडियो बना रही हूँ, बहुत दिन से, करीब कितना एक साल से ज़्यादा हो गया मुझे वीडियो बनाते बनाते। और मेरा एक भी बढ़ तो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा अभी तक उतना जो टारगेट है यूट्यूब का वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब मेरा ना बहुत ही मन छोटा हो जाता है, अगर कोई चीज़ अगर पूरा नहीं होता है ना तो बहुत ही मन छोटा हो जाता है और कुछ करने का मन भी नहीं करता है। तो मैं अभी यहाँ पे रख दी हूँ ये। तो हाँ, मैं यही बता रही थी कि मैं ना बहुत दिन से बना रही हूँ, मेरा ना मन पूरे बिल्कुल थक गया है।
और यहाँ थोड़ा लाइट नहीं आ रहा है। मेरा अब वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूँ, क्योंकि कुछ भी होता नहीं है, कुछ नहीं होता है। अगर जिसका कोई है मतलब रिलेशन में अगर कोई यूट्यूबर तो उसी का बढ़ता है, लेकिन जिसका कोई नहीं है वो वीडियो बनाते रहो बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यूट्यूब को। इसलिए मैं भी अब बहुत ही ये हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, मन ही नहीं करता बनाने का, कुछ भी शूट करने का मन ही नहीं करता है। मैं क्या बनाऊँ, क्या दिखाऊँ, कितना भी अच्छा क्यों ना बना लूँ, लेकिन कुछ आगे जाता ही नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को देखिए, पहले वीडियो में पूरे जाके देखिए कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाती हूँ, तो फिर आप लोग मेरे चैनल को देखिए, वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मैं तो थक गई हूँ वीडियो बनाते, अब तो मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता है वीडियो बनाने का। मैं क्या करूँ आप ही लोग बताओ, अगर कोई भी इंसान अगर इतना मेहनत करेगा कुछ नहीं होगा तो किसी का भी मन ये हो जाता है ना, बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो आप लोग मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। और ये देखिए मेरा किचन अभी बन रहा है और मैं बहुत दिन से ना वीडियो ना डेली बाई डेली नहीं शूट कर रही हूँ। मैं तो रीज़न तो बताएँ कि क्या रीज़न है, मन नहीं करता है वीडियो बनाने का। करीब 200 के करीब मैंने वीडियो डाल दिया है, 200 के 10-20 वही नहीं 200 के करीब वीडियो है। मैंने शॉर्ट वीडियो भी बहुत बनाई हूँ, लेकिन मेरा शॉर्ट वीडियो ना वायरल होता है, बहुत वायरल होता है शॉर्ट वीडियो, बाकी ब्लॉग मेरा वायरल होता ही नहीं है। एक वीडियो वायरल हुआ था और वो बोला तो बहुत चला, मतलब उतना नहीं कहना चाहिए क्योंकि 50-60 हज़ार व्यू है उस पर, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है मेरा। चलिए फ्रेंड मुझे भी सपोर्ट कीजिए, अगले वीडियो में अच्छा से वीडियो लेके आऊँगी। बाय।